नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने अपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप सभी जानते हैं भारत विश्व का एक महान लोकतंत्र माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से भारत विश्व के लिए लोकतंत्र के रूप में एक अनूठी मिसाल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्व का एक चौथाई हिस्सा अभी भी ऐसा है जो लोकतंत्र पाने के लिए जूझ रहा है, यानी वहाँ अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। और प्यारे बच्चों, जिन देशों में लोकतंत्र है, यानी जो देश लोकतांत्रिक हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन देशों के समक्ष किसी प्रकार की कोई चुनौतियां नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो देश जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं, और वो देश जो लोकतंत्र पाने की राह पर अग्रसर हैं उनके सामने भी कुछ चुनौतियां। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है वो इसी से संबंधित है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय लोकतंत्र की चुनौतियां पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह की चुनौतियां लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों के समक्ष बनी हुई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अध्याय। प्रिय बच्चों, समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन की एक प्रमुख व्यवस्था है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना ही कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। ऐसा नहीं, लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ उठाया नहीं जा सका। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती नहीं। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा में आपने देखा कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में अनेक गंभीर चुनौतियां। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आम तौर पर इन मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अर्थात सामान्य शब्दों में अगर समझना हो कि चुनौती क्या है तो चुनौती वह समस्या है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार हम जब चुनौती से पार पा लेते हैं तब पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी है कि 15 अगस्त 1947 से पहले कैसे भारतवासी अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए जूझ रहे थे। एक लंबी कहानी स्वतंत्रता संग्राम की आपने पढ़ी और उसके बाद आपने राजनीतिक उथल पुथल को भी देखा जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने से पहले हुई। प्रिय बच्चों, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर कहीं कहीं सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती अक्सर उन देशों को आती है जिनमें अभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इनमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों
सभी सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना भी शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती आती है। एक और चुनौती की अगर बात करें तो वह है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती आती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनके बर्तावों को मजबूत करना शामिल होता है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। यानी अगर संक्षेप में कहा जाए तो लोगों को जो उम्मीदें लोकतंत्र से होती हैं, अगर वो पूरी हो रही होती हैं, तब हमें मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां कम हो रही। प्यारे बच्चों, नौवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से और अनेक कहानियों के माध्यम से आपने बहुत सारी चुनौतियां पढ़ी हैं। आइए इन चुनौतियों को जरा फिर से दोहराएं, ताजा करने की कोशिश करें तो उन संदर्भों के माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे लोकतंत्र की इन चुनौतियों के बारे में। प्रिय बच्चों, सामने जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसमें आपने देखा मुबारक हो फिर चुने गए। क्या हम इन डब्बों को खोलें? आपको क्या लगता है कि यह कार्टून लोकतंत्र के सामने किस चुनौती को दिखा रहा है? देखिए, एक व्यक्ति ने डिब्बे खोलने से पहले ही स्वयं को चुना हुआ घोषित कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो चुनावी प्रक्रिया के ढीली होने की वजह से या चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होने की वजह से इस चुनौती का सामना कर रही है। प्यारे बच्चों, आइए कुछ अलग तरह की चुनौतियों को पढ़ते हैं। जबकि आप इन सभी चुनौतियों को पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर हम श्रेणीबद्ध तरीके से देखें तो कुछ चुनौतियां अभी भी लोकतांत्रिक देशों के सामने आती है। जैसे संवैधानिक बनावट की चुनौती, लोकतांत्रिक अधिकारों की चुनौती, संस्थाओं के कामकाज की चुनौती, सफल और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती, विविधता को समेटने की चुनौती और राजनीतिक संगठन करने की चुनौती। प्रिय बच्चों, सामने दी गई चुनौतियों को अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें समय समय पर अनेक संशोधन होते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि लोकतांत्रिक देश में रहते हुए जनता की उम्मीदों के हिसाब से अगर लगता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो उसके आधार पर संशोधन किए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकारों की जहां तक बात है तो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जूझते हुए व्यक्ति अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का निष्पक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर पाता। संस्थाओं के कामकाज की जहां तक बात है वहां अभी भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती है। निष्पक्ष चुनाव भारत के संदर्भ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं आज भी एक चुनौती रहती है। आप जानते हैं भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक जातियां और अनेक धर्म हैं, और कहीं ना कहीं ये जातियां और धर्म निष्पक्ष चुनाव कराने में आड़े जरूर आते हैं।
बात अगर विविधता को समेटने की करें तो भारत अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत रूप में फैला हुआ देश है, लेकिन इसकी विविधता को समेटना लोकतांत्रिक देश में रहते हुए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्यारे बच्चों, अगर राजनीतिक सुधारों पर विचार की बात की जाए तो आप जानते हैं कि भारत जैसे देशों में जहां बहुदलीय प्रणाली है, वहां अभी भी बहुत सारे राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चुनौती हम उसी समस्या को मानते हैं जिसका समाधान संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते। यहाँ हम वांछित राजनीतिक सुधारों की चर्चा नहीं करने जा रहे क्योंकि ऐसी कोई सूची तैयार भी नहीं की जा सकती। अगर सभी देशों की चुनौतियाँ एक जैसी हों तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते कि वह कहां से खराब हुई है, उस जगह क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, ये सब जानकर ही हम उसकी मुरम्मत का तरीका सुझाते। बिल्कुल वैसे ही जब तक हमें किसी देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियों का ना पता हो तब तक उसकी चुनौतियों को और उन चुनौतियों का निराकरण करने का उपाय नहीं सुलझाया जा सकता। क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की एक सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन चुनौतियों और कोशिश करते हैं उन सुधारों को लागू करने के तरीके और जरिए ढूंढने के लिए जिनसे इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत आसान लगता है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद लगता हो लेकिन आसान काम नहीं। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसे एक सामान्य से ढंग से समझते हैं। सरकार ने कानून बनाया है कि हमें सड़क पर चलते वक्त हेलमेट लगाना है तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। लेकिन प्रिय बच्चों, ये आप अच्छे से जानते हैं, जब तक आम आदमी इस कानून का पालन नहीं करेगा, अर्थात वह स्वयं हेलमेट नहीं पहनेगा, तब तक बेहतर परिणाम नहीं पाए जा सकते। बिल्कुल उसी तरह सिर्फ कानून बनाकर राजनीति को सुधारा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें स्वयं उन कानूनों का अच्छे से और बेहतर ढंग से पालन करना जरूरी होता है। अगर दूसरे बिंदु पर बात करें, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होता है कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे भी निकल आते हैं। जैसे आइए मैं आपको समझाती हूँ। कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो गए हैं। जबकि ऐसा करने के पीछे किसी का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना भारत सरकार की मंशा नहीं थी। आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। एक और बिंदु पर विचार करते हैं।
लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए, जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था कि ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता को कितनी हद तक सुधारा जा सकता है कोई कानून बनाकर, या उसे किस हद तक रोका जा सकता है। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। प्यारे बच्चों, चलिए एक चुनौती को देखते हैं जो भारत के ही एक राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो तैनात अधिकतर डॉक्टर हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहने की वजह क्या है? अनुपस्थित रहने की वजह ये है कि वो शहरों में रहते हैं और वहाँ उन्होंने अपने निजी प्रैक्टिस केंद्र खोले हुए हैं और महीने में वो सिर्फ एक दो बार वहाँ गांव में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ उनकी नियुक्ति होती है। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। यहाँ यह समझने वाली बात है कि एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए, और ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर भी रखा है। लेकिन डॉक्टरों के भ्रष्टाचार की वजह से, जैसा कि सर्वेक्षण में पाया गया, इस तरीके का नतीजा सामने आया। इसका जो प्रभाव था वो किस पर पड़ा? आम जनता पर। और लोकतंत्र का जो काम होता है वो आम जनता को सुविधाएं प्रदान करना होता है। तो इसके लिए सुधार के क्या प्रस्ताव रखे गए, आइए उन पर चर्चा करते हैं। सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्त वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरे सुधार की अगर बात करें तो डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस का अचानक छापा डालने का कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सुविधा जो की जा सकती है, ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसे स्पष्ट किया जा सकता है। चुनौती हमारे सामने थी और उसको सुधारने के जो उपाय थे वो भी हमारे सामने थे। इन सभी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना पड़ा जिसे प्रशासन कुशलता से चलाया जा सके। एक अन्य चुनौती की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले किसी भी उम्मीदवार को अपनी संपत्ति बतानी होती है। यह डर व्यक्त किया जा रहा था कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन करने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर करते हैं। आशंका इस बात की थी कि राजनीति में पैसे की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी। अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज वो उठा पाते हैं, कहीं वो उससे भी वंचित न रह जाए। अगर इसी चुनौती को सुधारने का प्रस्ताव रखना हो तो क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं? पहला उपाय हो सकता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखे जोखे को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए
सरकार को रकम देनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे वो जो चुनौती थी कि राजनीतिक दल जितनी ज्यादा पैसा चुनाव पर लगाते हैं उतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैलता है, वो चुनौती कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। प्रिय बच्चों, बात राजनीति की चली है तो अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक सफल चुनावी प्रणाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विशाल लोकतांत्रिक देश में निरक्षरता, गरीबी जैसी समस्याएं कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के आड़े आती हैं। इसके अलावा जातिवाद और धर्म की समस्या भी कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह है राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने के कानून तो अभी भी हैं, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक एक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। और इस देश से जब तक गरीबी की समस्या दूर नहीं हो, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में जो गरीब व्यक्ति होता है उसके वोट का इस्तेमाल कहीं ना कहीं लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया जाता है। जानते ही हैं आप सभी कि किस तरह से गरीब लोगों की वोट को खरीदा जाता है। तो सामान्यतः अगर देखें तो जब तक निरक्षरता और गरीबी जैसी समस्याएं भारतीय राजनीति के सामने हैं, तब तक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत के समक्ष ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्यारे बच्चों, ये सारा अध्याय पढ़ने के बाद अगर हम बात करें लोकतंत्र की परिभाषा की, तो इसे हम पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। पहले लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। लेकिन उपरोक्त अध्याय पढ़कर, यानी ये जो अध्याय अभी हमने पढ़ा, इसे पढ़ने के बाद इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी जा सकती हैं। जैसे लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लें। दूसरा, चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए, और ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, विकल्प चुनने के इस तरीके में ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि लोकतंत्र की इस परिभाषा को पुनर्परिभाषित करके किस तरीके से इन चुनौतियों से जूझने का एक नया जज्बा आप लोगों में पैदा हुआ। तो देखा आपने बच्चों कि लोकतंत्र की परिभाषा में अगर ये सामने दी गई जो बिंदु हैं इनको जोड़ दिया जाए तो शायद कहीं न कहीं लोकतांत्रिक देश के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं उन्हें समाप्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो अध्याय आपने पढ़ा और जितना आपने इसे समझा उसके आधार पर आप भारत वर्ष में लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं उन्हें सूचीबद्ध करें और इन चुनौतियों के निदान के क्या उपाय हो सकते हैं उसे भी सूचीबद्ध करें। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने लोकतंत्र की जो परिभाषा है अगर उसमें ये बिंदु जोड़ दिए जाएं तो किस तरीके से एक हद तक इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनौतियां आती हैं उनसे निदान पाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपने ये भी जाना कि भारत जैसा विशाल देश जिसका अपना एक अद्भुत संविधान है वहां पर भी कितनी चुनौतियां हैं। प्यारे बच्चों, आपने आज जो अध्याय पढ़ा उस अध्याय के पढ़ने के बाद आप गृह कार्य के तौर पर भारतवर्ष में
एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जो चुनौतियां हैं उन्हें सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। और प्रिय बच्चों, इन चुनौतियों को सूचीबद्ध करने के बाद आप उन निदानों को भी सुझाएं जो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए किए जा सकते हैं। अर्थात भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो चुनौतियां हैं उन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है, आप इस पढ़े गए अध्याय के आधार पर उन उपायों को सुझाएं। उम्मीद करती हूँ आपको अध्याय रुचिकर लगा होगा और बेहतर ढंग से समझ आया होगा। धन्यवाद।